आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में चर्चा आम है क्योंकि निकाय चुनाव आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहती है। क्योंकि रास्ता अगर 24 का पकड़ना है, सत्ता 24 की हासिल करनी यानी केंद्र पर पहुंचना है, तो रास्ता उत्तर प्रदेश के होकर ही जाता है। तो चर्चा यहां पर होती रहती है और निकाय चुनाव में यहां पर पूरी तरह से माहौल गर्म है। सभी पार्टियां यहां अपने आप को बेहतर बता रही हैं। फिलहाल जो इसका उत्तर जनता जनार्दन के पास है, जनता बताएगी कि उसने जनाधार किसको दिया है, सत्ता पे आसीन भाजपा को या विपक्ष पे आसीन सपा को या अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी, सुभाषपा, कांग्रेस। खैर, यहां चर्चा एक और भी है कि निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक सरगर्मी और चर्चा में आ चुकी है, वो है विपक्षी एकता। खैर, विपक्षी एकताओं की तस्वीर हम समय समय पर देखते रहते हैं। जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, वहां पर मुलाकात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से, इसके अलावा राहुल गांधी से, इसके अलावा केजरीवाल से, और तमाम तरह की चर्चाएं वहां चलती रहती है। सीताराम येचुरी से मुलाकात करते हैं और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, क्योंकि यहां पर विपक्ष की एकता को मजबूत करना है। उसी एकता पर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हुआ, बैठक हुई, और बैठक के बाद वहां पर जिस तरह से मुलाकात हुई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच में, वो स्पष्ट कर रही थी कि यहां पर जो स्थिति है वो अनुकूल हो चुकी है। हालांकि उस मंच से अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस पहले जहां जिस राज्यों में है वहां मजबूत हो जाए, कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही थी कि शायद यहां पर विपक्षी एकता को बात की जा रही, पर यहां पर कांग्रेस को लेकर कोई भी रणनीति नहीं है। खैर, बिना कांग्रेस के फिलहाल विपक्ष की एकता को कह पाना संभव नहीं है। भले ही पार्टियां बोलती रहे, क्षेत्रीय पार्टियां, कि विपक्षी एकता यहां मजबूत हो रही है, पर शायद देश की सबसे बड़ी पार्टियों में एक कांग्रेस, जिसने दशकों देश पर राज किया है, अगर उसके बिना विपक्ष की एकता को मजबूत कहा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये केवल महज कल्पना ही साबित होगी। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता स्पष्ट कर रही, सफलता मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को उभारा। उनके साथ जुड़े हुए लोग बता रहे थे कि राहुल गांधी ने यहां पर एक ऐसा मिशन पा लिया है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती थी, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और महत्वपूर्ण पड़ाव जो रहे, 3570 किलोमीटर की जो यात्रा थी, वो स्पष्ट कर रही थी कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। खैर, बयान क्या है, मैं उनके कैनवी यूनिवर्सिटी के बयान की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर केवल बात करूंगा विपक्षी एकता की। तो यहां पर जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे, और यहां पर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात भी की। अब विपक्षी एकता 24 के चुनाव तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इस विपक्षी एकता का प्रभाव निकाय चुनाव में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या विपक्षी एकता का क्या हश्र होने वाला है 24 चुनाव में, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में नहीं थे। पर एक बात तो साफ है कि विपक्षी एकता इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है अगर एकता बनी रही। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनिए, जैसा आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहां शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं, और जैसा इन्होंने कहा हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि
इस देश यह देश आगे बढ़े और ये बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे। पहले घड़वा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करे, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो, हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बात विपक्षी एकता की चल रही है, यहाँ बात निकाय चुनाव की चल रही है, यहाँ बात केंद्र की सबसे ऊंची कुर्सी यानी प्रधानमंत्री कुर्सी की चल रही है। सत्ता पे कौन आसीन होगा, कौन जुड़ेगा और किस तरह यहाँ पर सत्ता की नैया पार होगी, फिलहाल यहाँ पर एक सबके लिए चुनौती है। पर चुनौती में सबसे अहम प्रश्न ये है कि अगर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सामने है तो विपक्ष की तरफ से आएगा कौन? क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या राहुल गांधी या कोई अन्य नाम? या राहुल गांधी की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यार राहुल गांधी की लेकर कोई बात ना अखिलेश यादव ने कही ना नीतीश कुमार ने कही। खैर, राहुल गांधी के बिना गठबंधन होगा कि नहीं होगा, विपक्ष कितना मजबूत होगा, ये तो बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न सब जानते हैं। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। इसके बीच में एक चर्चा विषय और भी है कि जिस तरह से एकता हो रही है, जनता को संदेश क्या जा रहा है, निकाय चुनाव में सभी पार्टियां लड़ रही हैं, अगर ये एकता होती तो शायद आपस में गठबंधन अभी हो जाता, पर चूंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं तो लगता तो यही है कि जब बात सत्ता की आती है, जब बात लाभ की आती है, जब बात मजबूती की आती है तो सभी पार्टियां अलग अलग होकर अपने आप को मजबूत करने में लग जाती हैं कि जितने जितने कैंडिडेट जीतेंगे उतना वो मजबूत होगा। और निकाय चुनाव है भी ऐसा है, सबसे छोटा चुनाव है, शहर का सरकार है, और होता क्या है कि अगर जो वोटर हैं वही विधानसभा चुनाव के लिए भी है और वही लोकसभा चुनाव के लिए है, और यहाँ पर नगर पंचायतों में भी चुनाव है और शहर में भी चुनाव है, चेयरमैन का चुनाव भी है और मेयर का चुनाव भी है, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी है और सभासद का भी चुनाव भी है। तो यहाँ पर जो चुनाव है वो बड़ा अहम है, और इन चुनाव के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी एकता का संदेश तो यहाँ दिया जा रहा है, पर विपक्षी एकता कितना लंबे समय तक चलेगी वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच इस प्रश्न पर कितनी चर्चा हो पाएगी, क्या इसमें हल निकलेगा, इस पर भी एक विराम लगना जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुटे रूबरू कर, नेता भाजपा से राम निवास यादव अपनी बात रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा नेता सपा से, विवेक भाई कल बैठक हुई और बैठक में जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं हुई, फोटो सेशन भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और बात कही जाने लगी कि अब विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, पर विपक्षी एकता में बड़ी बड़ी पार्टियों का रोल नजर नहीं आ रहा है, विपक्षी एकता में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, क्या विपक्ष भी दो धड़े में बट जाएगा? और जो एकता की बात यहाँ बात कही जा रही है तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसको आगे करेंगे, कि बिना उसके तो संभव ही नहीं है, या बार में देखा जाएगा क्या जीत के आएंगे, स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिना आधार के, बिना बातों के और बिना जज्बे के ये एकता कैसे काम करेगी और चुनौती कैसे बनेगी? अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूँ, अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ जी, और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा जी। आज मैं जब ट्विटर पे था, मैंने एक ट्वीट पढ़ा जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जब जिम्मेदार पदों पे बैठे सरकार के लोग अगर सरकार के लिए कोई निर्देशन दे रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अच्छा, एक ट्वीट था, साथियों देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है, अगर अब की बार ये सरकार केंद्र में बच गई तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं बचेंगी। अच्छा, ये ट्वीट किया है सत्यपाल मलिक जी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से। अच्छा अच्छा, और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय सुनील त्रिपाठी भी, देखिए मुस्कुरा दिए, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई उनके, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक संदेश है
इस देश के लिए, इस देश के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए, इस देश के विपक्ष के लिए, कि कहीं ना कहीं अगर आपको अपने जिन लोगों की आप राजनीति करती हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, चाहे अच्छा। भाजपा हो, कांग्रेस हो, अच्छा। चाहे जो हो, अन्य दल, क्षेत्रीय दल, रालोद हो, ये सभी के लिए एक संदेश है, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठा इस सरकार का एक अहम हिस्सा आज कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और नियति पे सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात है, बिल्कुल सत्य बात है, विपक्षी एकता की बात कहीं ना कहीं कचोट रही है इनको। अब भाई देखिए, भाजपा भाजपा के साथ तो एक प्लस पॉइंट है कि भाजपा तो आतंकवादियों को शामिल करने में लगी है, आतंकवादियों को पार्टी ज्वाइन करवा रही है। लेकिन अब हम उतने इस स्तरहीन राजनीति के चरम पे जाकर के राजनीति नहीं कर सकते ना, तो हम कम से कम माओवादियों को, पूर्व आतंकवादियों को पार्टी में ला करके, इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके, आतंकवादियों के साथ मिलकर के सरकार बना के देश विरोधी कार्यों में लिप्त नहीं हो सकते। कम से कम हम छोटे क्षेत्रीय दल ही ठीक है, और इस क्षेत्रीय दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं, जिन लोगों की राजनीति हम कर रहे हैं, उन लोगों के मुद्दों पे, उन लोगों की जरूरतों पे, उन लोगों की आवश्यकताओं पे अगर क्षेत्रीय दल एक साथ आ करके इस मनमानी के खिलाफ, राजनीतिक मनमानी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये हमें लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से चूक जाएंगे कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल सत्य है कि आज जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में हमने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू की है, चाहे अपने द्वेष, मत, कभी भी राजनीतिक विरोधाभास बिल्कुल रहते हैं हर दल के बीच में, लेकिन जब आपको एक बड़े उद्देश्य को लक्षित करना होता है तो छोटी छोटी बातों को भुलाकर एक मंच पे आना सार्थक करना होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल ये हम ही कर रहे हैं, क्षेत्रीय दल के अनुसार जैसे हम कर रहे हैं वैसे भाजपा भी, अभी देखिएगा कई गठबंधन भाजपा के भी सामने आएंगे, बिना गठबंधन के भाजपा भी चुनाव नहीं लड़ती। पिछली बार भी मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं करेक्ट करिएगा, 142-43 संगठनों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा ने भी गठबंधन किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो गठबंधन की बात आ रही है, भाजपा का इतिहास उठा के देखिए, भाजपा ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया, क्या उन दलों के साथ गठबंधन का एक जो शिष्टाचार था, गठबंधन की एक जो नीति थी, क्या उसको कायम रखा? भाजपा ने जहां जहां गठबंधन किया वहां से उन क्षेत्रीय दलों को सीधे समाप्त करने का काम किया। विवेक भाई, गठबंधन बचा का है? दल अपनी मलाई सीखते हैं, जिसको जहां मलाई मिलेगी वहां चला जाता है। जनता का नेता होता कौन है? कोई जनता का नेता नहीं, जनता की बात या सब करेंगे, पर जिसको जहां लाभ मिलेगा वहां अपनी रोटी सेकने चला जाएगा। तो यहां पर राजनीति में नीति की बात तो भूल जाइए, और फिलहाल भारतीय राजनीति में भूल जाइए, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ना करिए आप, क्योंकि यहाँ कौन से जुड़ जाए किसी को नहीं पता। विवेक भाई, पर यहाँ पर एक बात की, गौरव भाई संभल के आप मीडिया में बैठ करके, एक जिम्मेदार एंकर है, इतने बड़े चैनल पे बैठ के आप ऐसी बात कहेंगे? जनता का नेता तो योगी जी को बताया जाता है, जनता का नेता तो मोदी जी को बताया जाता है, अमित शाह जी को बताया जाता है, जिसने अभी देखे कहा कि मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त कर देगी भाजपा। नहीं नहीं, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है गौरव भाई। अच्छा, मेरी चिंता मत करिए भाई, भाई जनता का कोई नेता नहीं है। मुझे आर्मी झूठा साबित कर दे, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मुझे आर्मी झूठा साबित कर दे, पत्रकारिता छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। जी, मेरी बात आ जाए। मैं तो आपकी चिंता कर रहा हूँ, आपके अच्छा, चैनल की चिंता है मुझे। चलिए ठीक है भाई, भाजपा के लिए भाई, भाजपा के नेता तो दम भरते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि, जनता के नेता है, योगी जी जनता के नेता है। आप नहीं है क्या भाई? अब हम तो अभी देखिए, मैं तो आपकी चिंता कर रहा हूँ, अब आप हमारी चिंता करिए, मंच देते रहिए। सवाल ले लीजिए आप में सत्यपाल मलिक की बात की, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आपके मन में दर्द है, ठीक है, पर ये दर्द जब केजरीवाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस देश के, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ आपको दर्द है, और निश्चित रूप से उनके साथ गलत हो रहा है, तो आपके लिए इसकी बात करना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। पर ये बात जब मनीष सिसोदिया के साथ होती है, सत्येंद्र जैन के साथ होती है, तब आप लोग इसके लिए प्रदर्शन नहीं करते, ना इसके लिए आवाज उठाते हैं। यानी गौरव भाई, राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता को के सौहार्द पे तो भारी नहीं पड़ सकते ना। अच्छा, आज दयाराम भार्गव जी है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज प्रवक्ता कांग्रेस बैठे, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो 110 पूर्व उग्रवादियों को भाजपा में शामिल कराया गया है चुनाव के पहले, मुझे जरा बताइए कि क्या ये राष्ट्रहित में है? क्या कॉन्वॉय, इतना बड़ा कॉन्वॉय, क्या उनको 5 प्लेन नहीं दिए जा सकते थे? और उसके बाद अगर एक जिम्मेदार संस्था का जिम्मेदार पद को कारित करने वाला राज्यपाल अगर आके ये बातें उजागर करता है, तो उसके घर सीबीआई भेज दी जाती है, ईडी भेजने का भी कवायद हो सकता है कि आने वाले समय में देखने मिले। लेकिन कहने की बात क्या है, कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा को,
राष्ट्र की सुरक्षा से राजनीतिक दलों के हितों को साधना, मुझे लगता है इतनी गंदी राजनीति का परिचय अभी तक किसी दल ने नहीं दिया और ना कोई इस तरह की मंशा रखता है। अच्छा। हम वो लोग हैं जो सैनिकों का सम्मान करते हैं। पुलिसिया तंत्र की बड़ी बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश ही छोड़िए, राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी बड़े बड़े दम भर रहे थे, दो तीन कल से वो गा गा करके कुछ भाषणबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को लेकर। लखीमपुर में गोली मार दी अपराधियों ने एक सिपाही को कल रात में, कल लखीमपुर में सिपाही को गोली मार दी गई जी। और ये तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के, लगातार सिपाही शहीद हो रहे हैं। तो सिपाही सिपाही होता है, जिसने रक्षा का दायित्व तो ले लिया वो सिपाही होता है। और मुझे लगता है राष्ट्र का सम्मान, इतिहास इस देश का, राष्ट्र का सम्मान इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान सैनिकों का है। सैनिकों के साथ जो इतना बड़ा षड्यंत्र करके इस तरीके की राजनीति पे वोट मांग सकता है, क्यों आज मन की बात में पुलवामा का नाम नहीं ले रहे हैं मोदी जी, कहा गया 56 इंच, आज पुलवामा की बात क्यों नहीं हो रही है योगी, बताइए ना मुझे, मैं गौरव भाई बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, आज मन की बात पे पुलवामा की बात क्यों नहीं हो रही है, आज क्यों नहीं मोदी जी पुलवामा की जांच करने की बात करते, पुलवामा की फाइल ओपन करते, पुलवामा का सत्य सत्य आएगा सामने, सत्य आएगा। आज ये सत्य लाने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है जो कि सुरक्षा रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जो कि बाकायदा उस कॉन्वॉय को डिप्लॉय कर रहे थे और उस फाइलों को देख रहे थे बैठ करके अपने कार्यालय में, ये उनकी जिम्मेदारी। और आज अगर उन्होंने एक सरकार को बचाने के लिए इस तरह के कलंकित कार्यों में संलिप्त होने की कोशिश की, तो यकीन मानिए इनके आने वाली जनरेशन, इनके आने वाली जनरेशन जो इनके वंशज जो है, वो जिस दिन अच्छे अधिकारी आएंगे, अच्छी सरकार आएगी और जिस दिन ये फाइलें खुलेंगी, इसका सच सामने आएगा, इनके वंशजों को देशद्रोही के नाम से कलंकित होना पड़ेगा। गौरव भाई याद रखिएगा इस बात को, देश की अस्मिता और राष्ट्र की सुरक्षा को राजनीतिक दलों से सर्वोपरि ज्यादा बढ़कर नहीं देखा जा सकता, राजनीतिक दल उससे बड़े नहीं है, इस देश की अस्मिता और सुरक्षा से बड़े राजनीतिक दल नहीं है, देश सैनिकों से बड़ा नहीं है, और सैनिक की वजह से राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं बैठ करके, जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है सभी इस बात को स्वीकार करेंगे, हम अपनी राजनीति साधने के लिए सैनिकों के विषय पे, सैनिकों के विषय पे चुप नहीं रह सकते, मौन नहीं रह सकते। आज मन की बात में मेरा सवाल है, क्यों नहीं हो रही है पुलवामा की बात? ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ सत्ता पक्ष को भी, देख रहा हूँ विपक्ष को, देख रहा हूँ सेवा करने वाले सत्ता पक्ष को भी लोग देखते हैं, तमाम अरे गौरव भाई देख तो हम भी रहे हैं, और संघर्ष करने वाला विपक्ष भी देखते आए हैं, पुलवामा जेल भरने वाला विपक्ष भी देखता आया हूँ, जो फिलहाल नजर नहीं आता है, मैं सबको देख रहा हूँ, सत्ता पक्ष को देख रहा हूँ, विपक्ष को भी देख रहा हूँ, दोनों को जनता ने जनाधार दिया। ठीक है, जयराम भार्गव सुभाषपा से, जयराम भाई विपक्षी एकता की बात हो रही है, आप कहाँ है भाई, आपकी मीटिंग होती रहती है कभी भाजपा से कभी सपा से, क्या सब? गौरव भाई जी बता दीजिए, देखिए मैंने एक बात बोला पहले भी आपके चैनल बोला था, हम आम में सब नंगे हैं, कोई भी पार्टी हो। अच्छा। चुनाव के समय में गठबंधन बनते हैं। अच्छा। चुनाव बीत जाने के बाद गठबंधन हट जाता है। अच्छा। अभी हमारे विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के बड़े लच्छेदार बातें कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने तमाम तरह की गिनाई। अच्छा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के ऊपर, वर्तमान में निकाय चुनाव है, जो शहरों की सरकार होती है, उस शहरों की सरकार में क्या आपकी पार्टी ने या वर्तमान की पार्टी की सरकार में शहरों की सरकार को सुसज्जित करने का काम किया? अच्छा। शहरों के सरकार में जो हमारा कूड़ा करकट हटाने का काम किया, शहरों में जो पेयजल की सुविधा है क्या उसको देने का काम किया, शहरों में जो बिजली का जो कनेक्शन किस तरह का आना और जाना, भी मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ आप देख लेंगे 10 मिनट के अंदर में 4 बार लाइट कट चुकी है। अच्छा। मैं गाजियाबाद के विधानसभा खोड़ा नगर पालिका की बात करता हूँ जी, खोड़ा नगर पालिका से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं श्रीमती सुनीता झा जी है, उनके पति देव है लक्ष्मी तन झा जी है, जो खोड़ा को नगर पालिका दिलाने के लिए माने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लड़ करके 2016 में समाजवादी की सरकार थी, खोड़ा को नगर पालिका दिलाने का काम किया, तब जाकर के उसके बाद आज खोड़ा को नगर पालिका मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आ गई शहरों में। अच्छा। यहाँ की चेयरमैन प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। 34 सभासद में से 26 सभासद भारतीय जनता पार्टी, बोलिए भाई 490 करोड़ रुपया खोड़ा को, सुन लीजिए भाई सुन लीजिए, सुना लीजिए, खोड़ा को 490 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्रालय से आता है जी, लेकिन खोड़ा कॉलोनी में केवल टाइलिंग और नाली की व्यवस्था हुआ जी, यहाँ ना सीवर है, ना मकान नंबर है, ना गली नंबर है, और मजे की बात गंगा वाटर की बात करते थे, यहाँ पानी नहीं है,
खोड़ा कॉलोनी शहरीकरण में है, मैं आपको बताऊंगा गौरव भाई, 500 फुट और नीचे चला गया है, खोड़ा एक दिन लातूर नजर आएगा खोड़ा कॉलोनी नगर पालिका। चलिए चलिए, और मजे की बात है जनता पार्टी, दयाराम भाई हो गया हो गया। मैं कह रहा हूँ अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दयाशंकर सिंह जो परिवहन राज्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी, तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि मुलाकात ए के शर्मा से भी कर लीजिए, उधर जो समस्या है वहाँ की गाजियाबाद की वो सुलझ जाए। हम सुनिए गौरव भाई, हम इसको लेकर के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पास, नगर विकास मंत्रालय के पास, ए के शर्मा के पास हम जाने की व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि हम गंगा वाटर लाएंगे। अच्छा, यहाँ पे साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा जी है, तीसरी बार विधायक है। हाँ, यहाँ से जनरल पीके सिंह दूसरे टर्म, 9 साल हो गए इनको सांसद रहते हुए, पूर्व में राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद चले, हो गया। लेकिन खोड़ा कॉलोनी की जो 12 लाख की आबादी है, हाँ, इसको गंगा वाटर स्वच्छ पेयजल की सुविधा कब करेंगे जी? और यहाँ पे लोग मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोगों के मकान जो 25 गज के हैं जी, वो 3.5-4 लाख रुपए फिर के बोर करा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बहुत बुराई, बहुत दर्द है, बीजेपी बहुत दर्द है, विपक्षी एकता में शामिल होंगे क्या, पूछ रहा हूँ मैं तो। देखिए, मैंने आपको कहा ना, स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी अभी निकाय चुनाव के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम लड़ रहे हैं जी। हम गाजियाबाद के मेयर प्रत्याशी हमारी सत्या यादव जी है। अच्छा, हम उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे जो जिले हैं, सभी जिलों में हमारे प्रत्याशी, चाहे वो नगर निकाय, नगर पंचायत हो या नगर निगम का हो या जो ठीक का हो, सब जगह हम लड़ रहे। एक सवाल ले लीजिए छोटा सा, आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लीजिए, हमारी लड़ाई जनता को स्वच्छ रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, दवाई और गलियों की सफाई, स्वच्छ पेयजल, ये किस तरह मुहैया कराई जाए, गंगा वाटर की व्यवस्था किस तरह कराई जाए। लड़ाई किससे है भाई, जो घरों से जनता चुनाव लड़ रही है, चुनाव तो पार्टी लड़ रही है। अरे, आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से है, सपा से है, कांग्रेस से है या हमारी पार्टी से? मैं पूछ रहा हूँ जनरली। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता, अगर हम खोड़ा नगर पालिका की बात करते हैं, अरे फिर आप नगर पालिका पे आ गए, अरे जवाब दे दीजिए, किसकी लड़ाई है, आप कहाँ देखते हैं, किससे लड़ रहे हैं आप? नहीं, हम तो जनता के बीच पे है, हमने बताया ना, सावधान यात्रा के माध्यम में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में। बहुत बढ़िया बात कही, सावधान यात्रा की बात बढ़िया कही, तो एक सावधान यात्रा बिजली के लिए लगा लीजिए, बिजली निकाल लीजिए, आपकी चार बिजली गई है, वो चार बंद हो जाएगी, ठीक है। हमारे साथ विनोद सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद भाई क्या स्थिति है, विपक्षी एकता की बात होती है, चर्चाएं होती है, मुलाकातें होती है, फोटो वायरल होती है, प्रेस वार्ताएं होती हैं, कांग्रेस का नाम नहीं लिया जाता? नहीं, देखिए गौरव जी, बिल्कुल इसकी अभी आपने देखा जो पिछली विजिट हुई अभी जो, तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ जो भी अगुआ है, नीतीश जी और तेजस्वी जी, सब लोग मिले, एक स्वस्थ वातावरण में सार्थक वार्ता हुई। सवाल क्या है कि देखिए, इसको आप व्यक्ति परक मत देखिए, उद्देश्य बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है कि भारत के भविष्य के प्रति जो लोग आश्वस्त हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में जिसकी आस्था है। अच्छा, वो सभी किसी भी पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों या आम शहरी हों, वो ये बात को जानते और मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल आंख में धूल झोंकने का काम करती है। अच्छा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्मादी राजनीति का ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें जनता की खुशी, जनता का विकास, सब कुछ दरकिनार हो जाता है। अच्छा, और केवल अपनी राजनीति सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, जनता ने भावावेश में इनके वादों पर, इनके स्मार्ट सोच पर, इनके बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों पर वोट दिए। अच्छा, लेकिन अंततः जनता को घोर निराशा, अच्छा, अत्यंत पछतावा का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो ये सवाल है, देश बदलने की लड़ाई है, भारत के भविष्य के प्रति लोग जो चिंतित हैं, जो संबंधित हैं, उन सब ने एक माहौल, एक सबके मन में वैचारिक क्रांति का बात है, तो ये सरकार बदलना बड़ा आवश्यक है। ये सपा, बसपा, सुभाषपा, कांग्रेस, इसकी बात नहीं है, विषय बहुत बड़ा है। अच्छा, सवाल है भारत बचा रहेगा, भारत बचा रहेगा तो फिर सारे राजनीतिक दल, सभी कार्यकर्ता, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, देखिए लग रहा है
हमारे भाजपा के लग रहा भाजपा के साथी तो निरुत्तर अपने आप को पहले ही मान लिए और दयाराम जी को फोन करके बता दिए कि आप मेरे लिए नहीं, आप मेरे लिए गौरव जी के कार्यक्रम में सवालों का सामना करिए, ऐसा मत करिए। सुनिए, आप अपना देखिए दयाराम जी, आप भाजपा के साथ, अरे दयाराम जी आप भाजपा के साथ लुकाछिपी खेलिए, आपका ये विषय है, आप भाजपा के सहयोगी बने रहिए, लेकिन सवाल है इस निर्णायक लड़ाई में, इस निर्णायक अरे इस निर्णायक लड़ाई को इस निर्णायक आपको दर्द क्या है? देखिए दयाराम जी क्या है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से समर्थन देंगे कि बिना कोई तथ्य, बिना कोई डेटा, बिना किसी राजनीतिक सूझबूझ के साथ आप जैसे परिपक्व अनुभवी नेता से ये उम्मीद नहीं थी। आप भाजपा का इस प्रकार से अपरोक्ष परोक्ष रूप से सहायता मत करिए। रामनिवास जी जवाब देंगे। सवाल है गौरव जी, देश गठबंधन वैचारिक समानता वाले दल सब एक साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की ये झूठ फरेब की, हिंसा की, गोली की, लाठी की राजनीति है। भारत के भविष्य के साथ जो इन्होंने खेल करने का काम किया है, हर प्रकार से जनता को, आम शहरी को ये चुनौतीपूर्ण स्थिति उनकी बना दी है। सबके सब लोग एक साथ आए और इस भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र नारा है हर मन का, हर घर का, कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। अच्छा ब्रह्म भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने बताया कि जनता को कष्ट है, महंगाई है, परेशानी है, तो इसको लिए सरकार की नींद कौन जगाएगा, नींद आंखें कौन खोलेगा? हाँ ये सही है। हाँ आप देखिए, कुंभकर्ण की नींद में तो सरकार है जब बात जनता के अधिकारों की आती है। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन बिल्कुल जनता ही जगाने का काम करेगी, हम लोग माध्यम बनेंगे और ये लड़ाई जनता जगाने काम तो करेगी। हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता थे उनको आना था, पर दुर्भाग्य रूप से वो आए नहीं, शायद जवाब उनके पास नहीं था, नहीं तो उन्होंने दयाराम जी को आज फोन करके कह दिया है कि मेरी जगह भी आप रामगोपाल यादव, भाजपा से उनको आना था पर आए नहीं। गोबर दे दिया आज के डिबेट में, पता नहीं जी। भारतीय समाज पार्टी एक दल है जी। विनोद भाई मेरा प्रश्न आपसे है, जब 2009-2012 में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने श्री राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मिलकर के बोला था कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन से जो है सरकार चलेगी, तो उस समय मना कर दिए थे। आज जो कांग्रेस गठबंधन के दौर से जूझ रही, मैं उसी का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। 2012 में अगर आप मान लिए होते तो भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में नहीं होती। देखिए मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप इतना पूछ रहे हैं। देखिए राजनीति में एक विश्वसनीयता भी बड़ा रोल प्ले करता है, तो जो व्यक्ति आज यहाँ कल वहां, कल यहाँ कल वहां ऐसी बात करता है, तो बड़ी राजनीतिक निर्णायक लड़ाई में उसकी भूमिका उसको सत्यापित करानी पड़ती है, प्रमाणित करानी पड़ती है। तो अपने नेता को बोलिए, अरे ठीक है, अरे आपके 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 पार्टी के तो आपके पार्टी में तो मुख्यमंत्री पद की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को जी। सारे जो क्षेत्रीय दल उनको छोड़ करके क्यों गठबंधन बना रहे हैं? अरे कांग्रेस क्यों रेन वाल किया जा रहा है? अरे जैसे आप छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, लोग किसी प्रलोभन में जा रहे होंगे, क्या फायदा उससे, क्या फर्क पड़ता है? हमारी लड़ाई जो है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की थी, हमारी लड़ाई जनगणना की थी, कांग्रेस जब केंद्र में थी हाँ हाँ करती रही, नहीं किया ना वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करी, आखिर आपकी और आपके पार्टी की क्या व्यवस्था है? आप बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन ये बताइए जिस पार्टी की व्यवस्था ये है, नहीं नहीं व्यवस्था क्या है, राष्ट्रीय पार्टी, नहीं नहीं आपने लगातार गौरव जी के समय में 2011 में जातिवाद जनगणना हुई थी। मैं कोई व्यक्तिवादी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बोल रहे हैं ये देखिए, अरे सवाल है जिस भाजपा, चले हो गया आपको बहुत दर्द हुआ। देखिए जिस भाजपा के सहयोगी होके आपने कहा आपके आत्मसम्मान का, आपके नेता के आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रखा गया, उनको लगातार अपमानित किया गया, आपकी क्या मजबूरी है कि आज आप उसी के
उसी की आवाज बनने का काम कर रहे हैं और देश में जो एक बड़ी लड़ाई हो रही है आप उसको कमतर करने का काम कर रहे हैं। मेरा तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से आपसे भी है, आप लोग सत्ता शासन रहे देखिए सत्ता आपकी, मैं एक लाइन में कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की ये क्रूर सरकार को, असंवैधानिक काम करने वाली सरकार को हटाइए, कांग्रेस आएगी तो आपकी बात को ध्यान से सुना जाएगा और आपके जो जनहित के मुद्दे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर उसको तय किए जाएंगे, हल किए जाएंगे। आप आइए लड़ाई में, इस निर्णायक लड़ाई के साथी और सहभागी बनिए, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने राजनीति अपना भविष्य भारत का भविष्य आप खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम मत करिए। ठीक है अभी हमारे साथ ठीक है, हो गया धर्म भाई हो गया बस पत्रकार सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, उसके बाद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े कैसी जैन। ठीक है सुनील भाई अपनी राय दीजिए। देखिए गौरव जी जी, मैं रहीम जी का दोहा कहना चाह रहा हूँ जी, कहा रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटो तंग जी। जब चुनाव नजदीक आता है जी तो गठबंधन राजनीति पार्टियां करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है गठबंधन कहीं कहीं खत्म होता है जी। आपने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा से कुछ दलों ने गठबंधन किया, धीरे धीरे वो खत्म ही हो गए जी। और जो वर्तमान में चुनाव में गठबंधन हो रहा है गौरव जी, ये एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों की योजना है। अच्छा, नीतीश कुमार जी जब भाजपा के न हुए तो क्या कांग्रेस के होंगे? अच्छा, क्या अखिलेश जी के होंगे? अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा है। ऐसे अवसरवादी राजनीतिक राजनीति करने वाले लोग किसी के नहीं होते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर जाकर के गिर सकते हैं। अच्छा, मेरा तो यही मानना है कि नीतीश कुमार जी और ममता जी वर्तमान में भाजपा सरकार से इतना भयभीत हैं, कहीं सीबीआई ईडी हमारे काले कारनामों की जांच करने के लिए ना जाए, इसलिए एक गठबंधन तैयार कर लीजिए। और 24 के चुनाव गौरव जी बस दो मिनट में आपको बोलूंगा, सीता स्वयंवर की तरह है, धनुष तोड़ने वाले बहुत राजा आ रहे हैं। अच्छा, कौन तोड़ेगा कौन जोड़ेगा ये 24 चुनाव में और वर्तमान चुनाव में भी मालूम हो जाएगा। विवेक जी बहुत देर से कह रहे थे आतंकवादी आतंकवादी, हमको लग रहा कि आज 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी आतंकवादियों द्वारा विस्फोट नहीं हुआ है, शायद इनको इसी बात चिंता हो रही है। अच्छा, अरे आप अपने दामन झांक के देखिए, आपके मुखिया ने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, फाइलें वापस मांगी जी। अपने दामन एक बार झांक के देख लीजिए फिर दूसरे पे आरोप लगाइए। मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ गौरव जी कह रहा हूँ कि ये गठबंधन तो आप कह रहा है कि सपा भी आतंकवादी को जोड़ के रहती थी क्या? नहीं आप बताइए किसी कार्यकाल में विस्फोट होते थे, कचहरी में हुआ, बनारस में हुआ, लखनऊ में, आपने भी देखा होगा कि कितने विस्फोट हुए किसी कार्यकाल में हुए, आप सीनियर जर्नलिस्ट है बताइए उस समय उत्तर प्रदेश सरकार किसकी थी? कचहरी बम ब्लास्ट हुआ। ठीक है यहाँ पर विपक्ष की एकता को लेकर सवाल था, यहाँ पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव तेजस्वी यादव की मुलाकातों को एक सवाल था कि यहाँ पर चेहरा कौन बनेगा, विपक्षी एकता की बात तो करते हैं पर कांग्रेस की बात पर यहाँ पर चुप्पी साध देते हैं, तो क्या स्थिति लगती है, क्या चुनौती बनेगी और निकाय चुनाव में से एकता का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस तरह की मीटिंग होगा जी किसी जैन जी? देखिए गौरव जी, पहली बात तो है कि निकाय चुनाव को लेकर के सारे जितने भी दल है उसका अलग अलग मत है जी, और सब वो अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं जी, कि आगे अगर गठबंधन की गुंजाइश बनती है जी, तो बार्गेनिंग के लिए हमारे पास कितनी सीटें होंगी कितनी नहीं होंगी, कितने में तैयार होंगे और क्या सीटें हम मांगे, किस तरीके से गठबंधन होगा जी, ये बार्गेनिंग के लिए एक जो है मोल सोल करने के लिए और एक सौदेबाजी करने के लिए अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए सभी दल प्रयासरत हैं। अच्छा, और सभी दल अपना अपना चुनाव निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए कि निकाय चुनाव के इसके पहले के क्या परिणाम रहे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अभी जो विधानसभा चुनाव हुए विधानसभा चुनाव के क्या परिणाम रहे जी, जो उपचुनाव हुए चाहे वो आजमगढ़ रहा हो चाहे रामपुर रहा हो, लोकसभा की इतनी मजबूत सीटें रही विपक्षी दलों की
उसमें भी कितनी करारी हार मिली। तो इन सारी चीजों को देखिए तो केवल एक ही चीज सामने आती है कि कहीं ना कहीं केवल और केवल ये बानगी तय कर रहे हैं कि किस प्रकार से आगे अगर कहीं पे गठबंधन बनता है तो क्या होगा। दूसरी बात ये रही बात चेहरे की जी। तो देखिए कि हर एक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने स्टेट में काम कर रही हैं, चाहे वो ममता जी हो वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हों या बिहार में नीतीश जी हों, तो जितने भी चेहरे हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं ये जो है ख्वाब अपना संजोए हुए हैं कि अगर हमारी सीटें किसी तरीके से इस तरीके की आ जाए कि गठबंधन के बाद में भी कल को अगर फिर से वही अगर स्थिति ऐसी बनती है गठबंधन के बाद सरकार की कहीं कुछ, तो हम कम से कम सौदेबाजी कर सके। अच्छा। तो सारी की सारी कवायद केवल सौदेबाजी को लेकर के है। अच्छा। लेकिन ये भी सारे की सारे लोग जानते हैं कि कहीं पर भी किसी की दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा। क्योंकि चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, माननीय मोदी जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अपराधियों का सफाया हो रहा है, लाइन ऑर्डर जिस प्रकार से मेंटेन हो रहा है, साफ रहे हैं। जरा मैं आपको लेता हूं, अभी आपको लेता हूं जी, मुझे जाना है, मैं आपको मौका दूंगा, सुन लूंगा दो मिनट जी। अभी आदरणीय वरिष्ठ संसद महोदय ने जो बात कही बहुत सही बात कही, उत्तर प्रदेश का देश में जिस प्रकार से पहले विस्फोट होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी और उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे जिस प्रकार से, तो इन सारी चीजों से अगर मुक्ति मिली है तो मुक्ति ऐसा नहीं प्रदेश को मिली, प्रदेश की जनता को मुक्ति मिली है। अच्छा। और प्रदेश की जनता को अगर मुक्ति मिली है तो प्रदेश की जनता इन सारी चीजों को बहुत ही गहराई से महसूस कर रही है कि किस सरकार के रहते हुए आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है। अच्छा। और किस सरकार के रहते हुए जो अपराधी थे, जिनके रहते जिन अपराधियों के रहते जीना मुहाल था, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा था, आम आदमी का जीना मुहाल था जी। और घर से बहन बेटियां उठा ली जाती थी जी। तो अगर इन सारी चीजों पे रोक लगी है तो किस सरकार में लगी है, तो ये सारी चीजें जनता के सामने है और जनता अपना वोट सारी चीजों का आकलन करने के बाद करती है। यही कारण रहा कि एक लंबे समय के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट की है, आप देखिए 35-37 सालों के बाद कोई भी पार्टी अगर रिपीट की है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी रिपीट नहीं कर पाई जी। तो इसका मतलब यह है कि बहुत तगड़ी मुहर जनता ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर लगाई है। ठीक है, ठीक। और ये भी हर कोई जानता है, हर एक जानता है पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जी, उत्तर प्रदेश के होकर के जाती है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है जी, बिल्कुल। ये हर एक राजनीतिक दल जानता है। और आप देखिएगा इस बार लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी। जिस प्रकार से जनता के लिए हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार देश में विकास कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय जबरदस्त भरोसा अपने आप को, जबरदस्त भरोसा अपने आप पर, अपनी पार्टी पर। ठीक है, बेबी पांडे कुछ पूछ रहे थे आप किसी जन से? कोई, मैंने तो एक सवाल पूछा कि आज मन की बात में पुलवामा की बात नहीं कर रहे हैं ये मोदी जी। अच्छा, पुलवामा हमला जब हुआ था मन की बात पे पुलवामा के बारे में लेकर के वोट मांग रहे थे आज, लेकिन पुलवामा का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ सत्यपाल मलिक जी के आरोपों पे, एक जो सरकार का हिस्सा है, सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है, उनके आरोपों पे आज मोदी जी के शब्द नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात पे आता हूँ जी, आप कहीं ना कहीं गौरव भाई इस पूरे चुनाव के समीकरण को समझिएगा, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, हालांकि मैं समाजवादी पार्टी से बैठा हूँ, लेकिन बात अगर समीकरणों की हो तो राजस्थान, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में लगभग 250 सीटों में पूर्व 2009 के 15वें चुनाव में कांग्रेस ने मुझे लगता है 250 सीटों पे कांग्रेस बीजेपी से बढ़त पे चल रही थी और 15वें चुनाव में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी, बीजेपी की 116 हुआ करती थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने किया है, जो हम क्षेत्रीय दलों के साथ जो हमारे गठबंधन का समीकरण है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, देखिए कांग्रेस के साथ जब बात होनी होगी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के साथ एक स्थिति पे कहीं हो सकता है कि ऐसी एक बात फंस रही हो, जैसे शरद पवार महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का हिस्सा है,
लेकिन नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीपीपी का वो समर्थन कर रहे हैं। तो भाई मुझे लगता है कि जब बात एक राष्ट्रीय स्तर के किसी लक्ष्य को लेकर के होती है तो वहां पे जो राष्ट्रीय दल है उसको भी अपनी स्थिति को ऐसे दलों के साथ स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम तो गठबंधन कर लें लेकिन कल को यह है कि इन्हीं के घटक दल जो अभी वर्तमान में इनके साथ हैं वही कहीं जाकर के सेंधमारी करते दूसरे दलों के साथ। अच्छा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे चिंतन करना पड़ेगा, कांग्रेस भी अपना रुख स्पष्ट करे। और रही बात देखिए, जब गठबंधन होगा बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको जब तय करेगी तो वो आपके सामने आएगा। यहां बात आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर हम चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हम कम से कम राष्ट्र विरोधी तत्वों को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे जो स्थिति आई है पूर्ववर्ती चुनाव में जब पुलवामा हुआ था, मैं क्यों बार बार आज पुलवामा का नाम ले रहा हूं, क्योंकि आपको कम से कम धन्यवाद देता हूं गौरव भाई, आपने एक मंच दिया जहां पुलवामा की बात तो हो रही है। यहां तो बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि पहले सबूत मांग रहे हैं भाई, भाजपा के एजेंडा चलाने के लिए उनको सबूत नहीं चाहिए, लेकिन जब पुलवामा राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, सैनिकों की बात आती है, सैनिकों के शहादत की बात आती है, सीआरपीएफ के जवानों के सम्मान की बात आती है, उनको सबूत चाहिए भाई। जब बात होगी, जब बहस होगी तभी तो तथ्य खुलेंगे, तभी तो परतें उजागर होनी शुरू होंगी, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते, उनको पहले सबूत चाहिए। एनआईए आईबी और इंटेलिजेंस का काम पहले हम जैसे प्रवक्ता करें बैठकर, उनका ये कहना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके चैनल को विशेष धन्यवाद समर्पित करता हूं। और कहीं ना कहीं आज जो एक सुनील भैया ने एक बात कही, आप एक राजनीतिक दल के ऐतिहासिक किसी ऐसे कार्य को लेकर के वर्तमान सरकार को क्लीन चिट देने का काम करेंगे। अच्छा। 116 पूर्व आतंकवादियों को अगर वो बोडोलैंड पे ज्वाइन करवा रहे हैं तो आप इसको अच्छा मानते हैं? उसको समाजवादी पार्टी के किसी कार्य से तुलना तो हो सकता है, उस समय कोई विधिक समस्या रही हो, कोई विधिक चुनौती रही हो, लेकिन आज जिस तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा, जम्मू में क्या किया था, पूर्व निकाय चुनाव में इन्होंने पूर्व आतंकवादी को टिकट दिया सैफुल्ला, और आज इन्होंने मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे आतंकवादी संगठनों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया जिनका उपयोग करके राजनीतिक लक्ष्यों को साधते हैं। भाई अच्छी बात कही आपने, पर यहाँ पे विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं, बिना कांग्रेस के फिलहाल विपक्षी एकता की बात देखिए, मैंने एक बात स्पष्ट किया, केवल कोरा सपना है। नहीं नहीं देखिए गौरव भाई, कांग्रेस को आप इतनी हल्के कमजोर उस पे मत देखिए। मैं तो देख ही नहीं रहा, आप ही लोग देख रहे हैं। यादव जी का मैं कहां देख रहा हूं? सुन लीजिए, अरे मेरे कहने का मतलब मैं आपको नहीं संबोधित कर रहा हूं, ये जो पैनल बैठा है, मेरा कहने का मतलब पैनल से, मेरा कहने का मतलब आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए ना, वही तो मैं कर रहा हूँ, मेरी बात तो आने दीजिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ढाल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी स्थिति है भाजपा के लिए, सुबह उठते सबसे पहले समाजवादी पार्टी को रोको, उनके कार्यकर्ताओं को रोको, अखिलेश यादव जी की नीतियों को रोको, किसी तरीके से इनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करो, फंसाओ, फर्जी एफआईआर में फंसाओ, किसी फर्जी मुकदमे में फंसाओ, ताकि किसी तरह समाजवादी पार्टी का मनोबल कम हो। उसी तरह सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो आने दीजिए, मेरी बात तो आ जाए। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो हमें भी लगता है कि पहले से कहीं ज्यादा अधिक परिपक्वता जितनी राहुल गांधी जी में आई है, उतना ही अपरिपक्वता, उतना ही अपरिपक्व मजाक मोदी जी ने अपना स्वयं बनाया है। अच्छा। एक उनका वीडियो वायरल है। अच्छा। मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं, उनका अच्छा। वीडियो एक स्ट्रिंग हुआ है, उसका वीडियो वायरल है, आम आदमी पार्टी ने ही प्रेषित किया था। अच्छा। देखिए उसमें वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं और खुद ही एमए की डिग्री भी दिखा रहे हैं। अच्छा। तो भाई मुझे तो ये भी जानना है कि डिग्री सही है कि वो मोदी जी का बयान सही है। अच्छा। पूर्व में भी उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं 8वीं तक पढ़ाऊं। नहीं नहीं, बात यहां पे एक नेतृत्व की हो रही है, सुन लीजिए, देश ने अगर भ्रमित होकर के एक बार गलती कर दी तो दोबारा वो गलती करने का अवसर देश नहीं उठा सकता, वो खामियाजा नहीं भुगत सकता। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के बयानों का आकलन कर लीजिए। पांडे चुनौती पड़ेगा, पप्पू को ढूंढते ढूंढते चुनौती कौन बन गए हैं, चुनौती कौन बनेगा भाई, पप्पू बन गए हैं और पप्पू के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा देश, ऐसे नए पप्पू का जन्म हुआ है। जवाब दीजिए, किसी भाई 2 मिनट आपको रोकूंगा, फिर सिंह पप्पू बन गए। नहीं नहीं देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की पद की गरिमा, उसके उसके सम्मान को ये प्रधानमंत्री ने बार बार जब भी अवसर मिला तो उसको बहुत कम करने का, बहुत हल्का करने का, रसातल में ले जाने का काम किया। ये केसी जैन जी या पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी, क्योंकि इनका राजनीतिक आधार मिथ्या प्रचार है, फेक न्यूज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मायाजाल है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन 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 जब देश की जनता की बात आएगी, क्रेडिबिलिटी की बात आएगी, उनके उनके कथन, उनके करनी और कथनी में जब इतना बड़ा स्पष्ट अंतर की बात आएगी, तो इतिहास में प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, पूरी तरीके से इतिहास इनको ऐसे देखा जाएगा कि ये केवल गब्बाजी लब्बाजी जुमलेबाजी वाले पार्टी रही, और इन्होंने केवल 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 जनता से जो जुड़े मुद्दे थे, जन सरोकार के जो मुद्दे थे, आम लोगों के सम्मान की जो बात थी, आम लोगों के भविष्य के प्रति सचेत रहने की भावना थी, उस सब को खंडित करने का काम किया। देखिए गौरव जी, देखिए
हमारे कांग्रेस के साथी जो तमाम सारी बातें कह रहे हैं जी, और समाजवादी पार्टी से आपने एक प्रश्न पूछा जी कि गठबंधन को लेकर के प्रश्न है जी, और वो तमाम सारी बातें घुमाते जी। बात ये है कि गठबंधन हो जाने के बाद या गठबंधन होने के पहले भी जब सवाल उठेगा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा जी, तो क्या समाजवादी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि अखिलेश जी में योग्यता नहीं प्रधानमंत्री बनने की? अभी तक कहते थे प्रधानमंत्री बनेंगे तो अखिलेश जी बनेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी ने मान लिया है कि अखिलेश जी में आपकी समाजवादी राजनीतिक दल से गठबंधन करने जा रहे? पिछली बार तो पीडीपी से किया था आपने, वो किसी और से बात कर दो, भी याद है या नीतीश जी की पीडीपी के साथ जो मिलकर आप लोगों ने कांड किया था वो भी दिख रहा है, देश के सामने आ गई है सच, सच का सच एकदम देश के सामने है। किसी भाई हुआ करते थे, अब की किस आतंकवादी संगठन को ला रही है बताइए भाई? चुनाव पे भी उनके लिए आतंकवादियों को पोषित करने वाली भाजपा इस बार किस आतंकवादी राजनीतिक दल से गठबंधन कर रही है ये बताइए? कम से कम हमारे सुरक्षा बल के जवानों को कांग्रेस आधार बना के वोट मत मांगने की गलती करिएगा इस बार। नेतृत्व में अगर सारी पार्टियां मिलकर के भी चुनाव लड़े तो वो चेहरा किसको बनाएगी? देखिए बहुत सारे सवाल है और आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल लाजमी सवाल उठाया, और अभी इस प्रश्न का उत्तर किसी भी पार्टी ने उभर करके नहीं दिया जी। केवल भेंट मुलाकात कर रहे हैं, केवल प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि नहीं हम लोग एक साथ आ जाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, सब लोग एक साथ। गौरव भाई इसका काउंटर दूंगा मैं, गौरव भाई काउंटर दूंगा, ईडी से परेशान है, हम सीबीआई से परेशान है। अरे तो ऐसा काम क्यों करते हैं कि ईडी सीबीआई से आप लीजिए, क्यों ऐसा काम करते हैं आप लोग, क्यों ऐसा काम करते हैं, ईडी से परेशान करती है आप लोग, ईमानदारी क्यों नहीं करते भाई? बीपी पांडे क्यों ईडी सीबीआई, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा क्यों ऐसा काम करते कि आपको ईडी सीबीआई परेशान करती है? जवाब दे दीजिए भैया। गौरव भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ। इस देश को एक ऐसे जोकर के हाथ में दे दिया गया है, इस पूरी जोकरी व्यवस्था है, सर्कस की व्यवस्था है, भाजपा को पूरा सर्कस और जोकर समझिए, सुन लीजिए, भाजपा के नेताओं के आए दिन बयान देख लीजिए, भाजपा के नेताओं के आए दिन वक्तव्य देखिए, अभी वो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहे थे, अभी आए थे कह रहे थे मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, कुछ दिन पहले पसमांदा सम्मेलन करवा रहे थे, नीयत सुन लीजिए भाई, इनकी नीति और नीयत ही स्पष्ट है, भाजपा जनता ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, जनता ने तो सत्यपाल तो इसी सरकार ने सत्यपाल मलिक को भी चुना था, सत्यपाल मलिक के आरोपी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सत्यपाल मलिक के आरोपी झूठे नहीं है ना पुलवामा के भाई? अगर जनता ने सरकार चुना तो सरकार नहीं तो राज्यपाल चुना है बताइए। अरे बताइए भाई, गौरव भाई बताइए, सवाल पूछिए ना, सवाल पूछिए ना, अगर जनता ने सरकार को चुना तो सरकार ने तो राज्यपाल भी चुना था, आज वही राज्यपाल सरकार की पोल खोल रहा है, आज वही राज्यपाल सरकार की पोल खोल रहा है। आप उस तरीके का मत बनिए जैसे और समाजवादी लोग हैं जी, मर्यादा बना के भाई, आप जो है संवैधानिक पद के लिए जोकर मन बोलिए भाई, जोकर मन बोलिए, ठीक है। मनोज सिंह आप कुछ बोल रहे थे, मनोज सिंह नहीं मैंने देखा, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता को कुछ भी कहेंगे, और देखिए देखिए भाई हो गया, विरोध सिंह बोलेंगे, समय कम है, देखिए 5 मिनट मेरे पास, आगे 5 मिनट देखिए देखिए। आखिरी में मैं आपके सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि इस समय वक्त की मांग है, नितांत आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हों और अपने अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सचेत होते, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करिए, अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सपा में कुछ नहीं बोल रहा, क्या बात है, गठबंधन नहीं हो गया क्या? नहीं नहीं देखिए गठबंधन की बात नहीं है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश को 70-80 साल 100 साल पीछे ले जाने का काम किया है, देश की क्रेडिबिलिटी के साथ जो इन्होंने तमाशा किया है, देश में जो व्यवहारिक चुनौतियां गुणात्मक रूप से सामने आई है, और ये जिम्मेदारी ले इन पे कान पे जू नहीं रेंग रही है, अच्छा। आप इनसे सवाल करेंगे, डेटा पे सवाल करेंगे, प्रामाणिकता से सवाल करेंगे, तथ्यात्मक तरीके से सवाल करेंगे, तो हमारे सुनील त्रिपाठी जी भले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हो, अच्छा। लेकिन इनके अंदर भी डर है, इनके डर है, ये जानते हैं सरकार की नहीं, सरकार की नीति और नीति से वाकिफ है, मैं कह रहा हूँ सरकार की नीति, मैं कह रहा हूँ सरकार नहीं, डर मतलब मैं क्या आपको व्यक्तिगत मैं आपको व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार की नीति लगान और देखिए सिंचाई के लिए 14 दिन जेल का नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नियत से वाकिफ है,
और सरकार किस प्रकार से मिथ्या जाल बना के झूठे केस बना के और ऐसी आवाज को जो निर्भय होके जन सरोकार की बात करती है, जो भारत के भविष्य को हम अच्छा बनाने की बात करती है, उसको 24 चुनाव में फिर आप उसको दबाने का काम किया जाता है। कहते हैं कि आप समझिए भाजपा, तो फिर आप में ऐसी क्षमता क्यों खत्म हो गई? जनता विवेक कहां चला गया? वही अपील से लेकर के ऊपर तक सारे कार्यकर्ता आपके रहते थे, जनता कार्यकर्ता दिखाई जा रहे हैं, जनता अपने विवेक का कारण हो गया, हमारे कहीं ना कहीं हो गया, हमारे प्रदेश और देश की सम्मानी जनता विवेकपूर्ण फैसला लेगी और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बहुत अहम थी और चर्चा थी विपक्षी एकता पर, चर्चा थी निकाय चुनाव को लेकर और चर्चा थी रणनीति को लेकर। फिलहाल विपक्षी एकता को यहाँ बात हुई, चर्चा हुई और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला जैसा कि लगातार चलता है और डिबेट में भी वही हाल रहा। पर सबसे बड़ा प्रश्न था कि विपक्षी एकता का नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, बीजेपी के लिए चुनौती कौन बनेगा और किस चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। जवाब किसी ने नहीं दिया कि जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करने पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों ही अलग व्यवस्था की तरफ चलते नजर आए। किसी ने स्पष्ट नहीं किया कि कांग्रेस यहाँ विपक्षी एकता जो कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और स्टालिन के हिसाब से बनाई जा रही उसमें शामिल होगी, या कांग्रेस यहाँ पर एक अलग विपक्षी धारा बनाने में सक्रिय या सफल होगी वो आने वाले समय में निश्चित हो जाएगा। पर स्पष्ट है कि निकाय चुनाव भी महत्वपूर्ण है और 24 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जनता के लिए लड़ना कोई नहीं चाहता है, जनता के मुद्दों पर जेल भरना कोई नहीं चाहता है, जनता के मुद्दों पर लाठी खाना कोई नहीं चाहता है। सत्ता से हर इंसान को जगाना चाहते हैं, सत्ता को आईना दिखाना चाहते हैं, पर जो आईना हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में शामिल था वो था जेल भरना, वो था लाठी खाना, वो था संघर्ष करना और वो था अपनी आवाज को उठाना चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। पर फिलहाल ये कीमत चुकाने के लिए कोई भी दल तैयार नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जब महंगाई बढ़ती थी तो बीजेपी एक मजबूत विपक्ष की तरह रोड पर उतरती थी। फिलहाल ये व्यवस्था अभी तक किसी भी विपक्षी पार्टी द्वारा सामने नहीं आई है। राहुल गांधी के माफीनामे पर, राहुल गांधी की सजा पर सत्याग्रह हो सकता है, पर राहुल गांधी के अलावा महंगाई के मुद्दे पर सत्याग्रह जिस दिन होगा उस दिन व्यवस्था बदलेगी और शायद कुछ जनाधार भी मिलेगा। यहाँ पे विपक्षी पार्टियों से मेरा एक ही अनुरोध है, एकता करते रहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है धरातल पर संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार।